हेलो दोस्तों, मैं हूं निया सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं सोनम कपूर की स्पेशल बातें। और आज स्पेशली बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज है सोनम कपूर का बर्थडे। जी हाँ, तो चलिए कुछ ऐसी बातें आपको सोनम कपूर के बारे में बताती हूँ कि जो शायद आप नहीं भी जानते हैं। और कौन है वो ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सोनम कपूर को बॉलीवुड में लेकर आई, ये सारी अपडेट मैं आपको अभी और इसी वक्त दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि सोनम कपूर का जन्म अपस चेंबूर में हुआ था 1985 में। पहले वो चेंबूर रहती थी, फिर अपनी फैमिली के साथ वो जुहू में शिफ्ट हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, जहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी से वो चाहती थी कि वो एक तरह से डायरेक्शन में जाए या तो फिर वो एक्टिंग में कभी नहीं आना चाहती थी। सोनम ने हमेशा ये बात कहा है कि वो प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, वो डायरेक्टर बनना चाहती थी, वो एक्ट्रेस कभी नहीं बनना चाहती थी। पर वो एक्ट्रेस कैसे बनी और उनके पीछे किस एक्ट्रेस का हाथ था, ये सारी अपडेट मैं आपको देती हूँ। तो सोनम सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में जब थी तो वहां पे उनकी मुलाकात रानी मुखर्जी से हुई, जो ऑलरेडी उनकी फैमिली फ्रेंड थी। वो अनिल कपूर की बहुत अच्छी दोस्त है, सोनम से हमेशा उनका मिलना जुलना रहता था। और सोनम से जब वो सिंगापुर के वहां पर मिली यूनिवर्सिटी में, तब वहाँ पे उनसे सोनम ने ये रिक्वेस्ट किया कि उनकी जो 2005 में जो फिल्म आई थी ब्लैक, उसकी जो डायरेक्शन में एक तरह से असिस्ट करे सोनम कपूर। और उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप बात कीजिए संजय लीला बंसाली जी से कि वो मुझे उस फिल्म में असिस्ट करने का मुझे एक मौका दे दे, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। रानी को वो बात बहुत अच्छी लगी, रानी ने जाके संजय से ये बात कहा, संजय को भी बात अच्छी लगी, संजय ने सोनम को ये मौका दिया कि ठीक है आप मुझे आके एक तरह से मेरे डायरेक्शन में आप मेरा साथ दे सकती हैं। सोनम जब वहां पर गई, उन्हें सेट का माहौल बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बहुत सारी चीजें सीखी। और उन्होंने हमेशा ये बात कहा है कि संजय लीला बंसाली के अंडर उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी है। वही रानी अमिताभ बच्चन जी से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी है। ये सारी चीजों के बारे में जब बात हुआ था, बस संजय को उस वक्त सोनम इतना ज्यादा पसंद आ चुकी थी कि संजय ने ये जिद ठान ली थी कि ये डायरेक्शन में नहीं बल्कि एक्ट्रेस में मैं इन्हें डालूंगा और ये मेरी आने वाली फिल्म में जरूर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगी। तो बस क्या था, उसके बाद संजय लीला बंसाली ने उनकी आने वाली फिल्म, 2 साल बाद ही सही उनकी एक फिल्म आई थी सावरिया, उसके लिए उन्होंने सोनम को साइन किया। पर उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सोनम की एक्टिंग की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले उनकी वजन को लेकर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उस वक्त सोनम 85+ थी और उनको वहां से 55-54 के वजन पे लेके आना बहुत बड़ी बात था। पर संजय ये चाहते थे कि सोनम उनकी उस फिल्म का पार्ट बने, उसकी मेन एक्ट्रेस बने। तो क्या था, बस सोनम भी मेहनत करने पे लग गई क्योंकि संजय लीला बंसाली की फिल्म कौन अपने हाथ से जाने देगा। तो बस यही था, सोनम ने बहुत मेहनत किया, सोनम ने अपना वजन घटाया और उस फिल्म के लिए वो तैयार हो चुकी थी। उसी के साथ उनके अपोजिट चुना गया था रणबीर कपूर को, जो अफकोर्स उनकी फर्स्ट फिल्म थी, सोनम की दोनों की फर्स्ट फिल्म थी। फिल्म को कहीं भी किसी भी तरह से मोहब्बत नहीं मिली क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, पर सोनम और रणबीर की ये जोड़ी हिट जरूर साबित हो चुकी थी। मीडिया में बहुत ऐसी सुर्खियां आने लगी कि भाई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों रिलेशन में हैं, पर दोनों ने कभी मीडिया के सामने ये बात नहीं कहा है। पर इनके लिंकअप्स और ब्रेकअप की न्यूज बहुत समय तक मीडिया में चलती रही। पर सोनम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जब वो कॉफी विद करण में आई थी दीपिका के साथ, और उस वक्त उनका ऑलरेडी रणबीर का दीपिका के साथ भी ब्रेकअप हो चुका था, तब दोनों ने बहुत सारे खुलासे किए थे आके करण के शो पे। पर वहां पे सोनम ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं रणबीर की पूरी तरह, मैं कह सकती हूँ एक तरह से उनकी पूरी बैंड बजा दिया था दोनों ने मिलकर। पर सोनम का वो जो स्टेटमेंट था, सोनम ने अपने वो स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने मीडिया के सामने हो, चाहे फैमिली के सामने हो, कहीं भी हो, रेड कार्पेट पे उन्होंने खुल के कहा अगर मैंने रणबीर के बारे में ये बात कहा था तो वो बात सच थी। वेल, ये तो फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी थी जब वो मीडिया में सबसे ज्यादा बनी हुई थी सोनम। उसके बाद बैक टू बैक सोनम की फिल्में आ रही थी, इतनी उनकी तारीफ नहीं हो रही थी, पर जब उनकी फिल्म रांझना आई तब जाके उनकी कहीं ना कहीं एक्टिंग की तारीफ होना शुरू हुआ कि ठीक है सोनम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। पर इससे पहले अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो सोनम को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि लोग उन्हें क्यों ये कहते हैं कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती हैं या वो अच्छा एक्टिंग नहीं करती हैं। सोनम को ये सारी बातें बुरी लगती थी। पर 2016 में जब उनकी फिल्म निर्जा आई तब सिर्फ और सिर्फ सोनम की एक्टिंग की तारीफ की गई थी। और सोनम को मैं कह सकती हूँ, सोनम ने हमेशा वो इंटरव्यू में भी कहा है कि वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न था, वो उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मूवी था और वो अपनी लाइफ में एक ऐसा मूवी वो कर चुकी हैं जहां एक्टिंग को लेकर उनकी तारीफ की गई है। और फाइनली मीडिया में भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई, फिल्म को नेशनल अवार्ड से
मिला और उसी के साथ सोनम को भी उसी से नवाजा गया। ये सारी चीजें जब हुई सोनम को, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह, एक तरह से कह सकते हैं वो हमेशा अपनी बेस्ट यादों में उस चीज को रखना चाहती हैं कि जब वो निर्जा का शूट कर रही थी उसके बाद उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बदली है। अगर मैं ऐसे सोनम की भी बात करूं तो निर्जा के पास सोनम और ज्यादा बोल्ड अपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दी, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो। पहले वो सरकारी मुद्दे पे या पॉलिटिशियन मुद्दे पे वो खुल के कभी बात नहीं करती थी, पर नॉर्मली वो उसके बाद भी वो सारी मुद्दे पर बात करने लग गई। भले ही उसके बाद वो जमकर मीडिया में ट्रोल्ड हुई या जैसे भी हुई, पर उन्होंने अपनी बातें जरूर रखी है। उसी के साथ अगर मैं कॉन्ट्रोवर्सी की बात करूँ तो चाहे वो दीपिका हो, चाहे ऐश्वर्या हो, चाहे अभय हो, उन्होंने हर बार हर किसी को ट्रोल्ड किया है। कभी ऐश्वर्या को उन्होंने ये बात कहा है कि वो अंटी है और उन्हें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे अंटी नजर आती है, जिसको लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। वही मिडिल फिंगर दिखाने पे भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। मीडिया के एक सवाल पे सोनम ने अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया था, जिसके बाद भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, जहां पे सोनम ने ये बात कहा था एक लड़की अगर मिडिल फिंगर दिखा दे रही है तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है, जबकि सिनेमा में तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखा देते तब तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सोनम हमेशा खुलकर रखती थी, जिसकी वजह से कभी समटाइम वो सही भी होती थी, समटाइम वो गलत भी साबित होती थी। तो पहले तो ये सोनम के करियर की बात हो गई। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आनंद आहूजा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी एक अवार्ड शो में, जहां पर बिजनेस और बॉलीवुड का अवार्ड शो था, जहां पे सोनम और आनंद आहूजा फ्रंट सीट पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। बस वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद दोनों ने कुछ वक्त बाद ये डिसाइड किया कि दोनों को शादी के बंधन में बनना है। दोनों शादी के बंधन में 2 साल पहले बन गए और अब दोनों हैप्पी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उसी के साथ अगर मैं सोनम की बात करूं तो जब सोनम बॉलीवुड में आई थी उस वक्त सोनम की स्टाइल को लेके बहुत सारे सवाल उठे थे कि ऐसा लग रहा था सोनम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती, काफी ज्यादा ट्रोल की गई थी। आई है हेट लव स्टोरी से भी उनके कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, पर उसके बाद सोनम ने अपने आप को स्टाइल आइकॉन बनाकर ही दिखाया है। हर जगह चाहे किसी की बात हो या ना हो, सोनम के कपड़ों की बात हमेशा होती है, चाहे वो रेड कार्पेट हो, चाहे 9 फीट लंबा गाउन पहनना हो, चाहे कुछ भी हो, सोनम हमेशा सुर्खियों में रहती है। उसके अलावा अगर मैं सोनम की बात करूं तो सोनम ने हमेशा ये बात कहा है कि आप हमेशा अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भूल जाते हैं, कपड़ों के साथ भूल जाते हैं, तब आप लाइफ आपकी बहुत फीकी हो जाती है। सोनम ने ये बात कहा भी है, भले ही समटाइम उनके कपड़ों को लेकर ट्रोल किया गया हो, समटाइम उनके कपड़ों की बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, पर सोनम ने अपने एक स्टाइल स्टेटमेंट को आखिरकार बना के रख दिया कि भाई बॉलीवुड में जब भी स्टाइल की बात आएगी मेरा नाम तो जरूर सामने आएगा। तो ये था सोनम को लेकर मेरा बर्थडे का स्पेशल अपडेट। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर सोनम को आप कोई विशेष देना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।